खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया है, तमाम तरह की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। लेकिन अब जम्मू कश्मीर के एक बड़े पुलिस अधिकारी ने सामने आकर यह कहा है कि सब कुछ ठीक है, हालात बिल्कुल सामान्य है। मुनीर खान वहां के एडीजी हैं, जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरह सामान्य है, यह उनका कहना। जम्मू कश्मीर के एडीजी मुनीर खान ने कहा कि सब कुछ नियंत्रण में, जम्मू कश्मीर में हालात पूरी तरीके से सामान्य है। एबीपी न्यूज भी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से कई रिपोर्ट्स दिखा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर अमन चैन है। ईद के मौके पर भी तमाम तरह की खुशियां नजर आई, बाजार में चहल पहल। 15 अगस्त की अब तैयारी है, वहां पर लोगों में जोश है, उनका जज्बा देखने लायक है। और अब जम्मू कश्मीर के एडीजी मुनीर खान ने भी यह कहा है कि सब कुछ सामान्य। मैं आपको बड़ी फॉर्मली ये चीज बताना चाहूंगा कि द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज बीन टोटली अंडर कंट्रोल। और जैसे रोहित सर ने बताया, देर हैव बीन लोकलाइज्ड इंसिडेंट्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट एंड अदर डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो विच हैव बीन कंटेन्ड डेल्ट विद लोकली। देर हैव बीन नो मेजर इंजरीज टू एनीबॉडी, देर हैव बीन ए फ्यू पैलेट इंजरीज हु वर ट्रीटेड एंड उसके बाद वापस भेज दिए गए। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, हमारा सबसे बड़ा ब्रीफिंग और सबसे बड़ा एंडेवर यह है कि सिविल कैजुअलिटी का, चाहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, चाहे एंटी मिलिटेंसी ऑपरेशन हो, वी अवॉइड कोलैटरल डैमेज, वी डोंट वांट दैट। देखिए अगेन, नहीं नहीं एक मिनट, आई विल नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, आई विल नॉट टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स, नहीं नहीं एक मिनट। इन ए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन लाइक दिस देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ डिटेंशंस, प्रिवेंटिव डिटेंशंस टू एंश्योर दैट ही द मिस्क्रियंट्स, established miscreants do not vitiate the peaceful atmosphere, so you have to take preventive steps. वो हम ले रहे हैं। उसके बाद होता है कि अगर कोई ऐसी कार्रवाई करता है, FIR में नॉमिनेट होता है, उसकी गिरफ्तारी होती है। There are certain persons जिनको थाने में लाके उनसे बॉन्ड लिए जाते हैं, उसके बाद वापस घर भेज दिए जाते हैं। So ये सब कुछ कार्रवाई चल रही है, प्रिवेंटिव डिटेंशन भी चल रहा है, केसेस में अरेस्ट भी चल रहा है, और जो टोटल हार्डकोर क्रॉनिक किस्म के लोग हैं उनके खिलाफ जो पीएसए की कार्रवाई करनी वो भी चल रही है। सो लेट अस नॉट जनरलाइज कि इतने लोग पकड़ लिए, अगर 100 पकड़ जाते हैं उसमें से 50 वापस घर भी पहुंच जाते हैं, अपना जो उनने बॉन्ड देना होता है, बाकी चीज करने होते हैं। We will cross the bridge when it comes, यार। Why should we presume the things? हाँ, लेकिन उनका पास हिस्ट्री भी देखेंगे, पहले कितने केसेस में मुलविस हैं, बिगिनर हैं, पहली दफा ये एक्ट कर रहे हैं, उस हिसाब से डिसीजन लिया जाए। वी हैव टू असेस द थिंग ना। कुछ की बिल्कुल की।